जो भी कॉकटेल बनाओगे पहले मैं पीऊंगा, उसके बाद दोस्तों को पिला दूंगा। पहले मैं पीऊंगी, मैं रही हूँ, पीऊंगी मैं। राउंड आइज है ना, देखो कितना कुछ सिखाना पड़ता है मुझे, ठीक है। तो ये ले, बहुत अच्छा, एक स्पून, बार स्पून है या त्रिशूल है। वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड इंट्रोड्यूसिंग रीमा। तो रीमा, व्हाट इज योर ओपिनियन, आई मीन तुझको कैसा लग रहा है कि ये कॉकटेल्स इंडिया में आके? देखो, कॉकटेल्स इंडिया में फर्स्ट टाइम नहीं आई हूँ, मैं पहले भी कॉकटेल्स इंडिया में आ चुकी हूँ, बट मैं हर बार आना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलते रहता है। सो दादा, थैंक यू फॉर अगेन गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। So let's create a very nice cocktail this time. अच्छा, this time किसके लिए बनाना चाहता है, मतलब चाहती है? अरे यार, चाहती मतलब ये ना बंगालियों का, मतलब ये एक एक्शन का प्रॉब्लम है ही है। हाँ, तो तू बोल दे किसके लिए बनाना चाहेगी? मतलब मैं अपने फ्रेंड्स के लिए बनाना चाहती हूँ जिनको विस्की पीना बहुत पसंद है। अच्छा, और मेरे बारे में? मेरे को पिलाना नहीं है क्या? दादा तुम मौत पीते हो, कंट्रोल करो। ये कोई मतलब है, ये कोई झूठ बोल रही है। चलो, जो भी कॉकटेल बनाओगे पहले मैं पीऊंगा, उसके बाद दोस्तों को पिला दूंगा। पहले मैं पीऊंगी, मैं रही हूं, पीऊंगी मैं। ये क्या कोई जबरदस्त है? स्टूडियो मेरा, लाइट्स मेरा, कैमरा मेरा, सब कुछ मेरा, और पिएगी है ये कोई? सब कुछ है वो भाई मेरा। नहीं, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। तो बोल क्या बनाना चाहिए, मतलब कुछ यूनिक बना के पिलाना, बहुत अच्छा। मैं लास्ट टाइम बनाई थी वो पाइनएप्पल पे था, और फ्रूट बेस्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो आई विश कि आज भी मैं कुछ फ्रूट बेस्ड बना सकूं। फ्रूट बेस्ड तो मैं चाहती हूं कि अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा अच्छा फ्रूट इंग्रेडिएंट्स है तो मैं उसी पे। बट एक बात बताओ, फ्रूट तो मेरे पास है नहीं उतना, मतलब आज मेरे पास फ्रूट है नहीं। सुनना, मेरे पास एक बहुत अच्छा चीज़ है, मैंने बहुत दिन से बनवा के रखा है, मतलब सिनेमन विस्की। सिनेमन विस्की मतलब क्या है ना, सिनेमन, हाँ, ये जो विस्की है इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिनेमन डाल देते हैं। आप भी बना सकते हो घर में, बहुत आसान है। खाली विस्की को पोर करना है कोई अलग सा कंटेनर में, और उसमें एक सिनेमन का टुकड़ा आप डाल के रख दो, 3 दिन रखो, कमाल का सिनेमन विस्की बन जाती है, मतलब है ना। अगर वो नॉर्मली आइस के साथ भी लो तो अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। तो आज इससे तू कुछ यूनिक बना के पिला। तो मेरे पास फ्रूट तो है नहीं, मैं तुझको पीच सिरप दे सकता हूँ। पीच सिरप, यस। हाँ, तो फिर चल इसी से कुछ बना ले, मतलब क्या बनाएगी तू? ये सिनेमन थोड़ा मीठा है, पीच थोड़ा मीठा है। हाँ, कुछ मीठा मीठा नहीं हो जाएगा? नहीं, ये तो विस्की तेरा सिनेमन का खाली इसमें फ्लेवर रहेगा, बट मीठा नहीं होगा। ओके, पीच सिरप जो है वो मीठा है, तो उसको हम लोग बैलेंस करेंगे लाइन से, है ना। तो तू अब तू बता, मैं अगर सब कुछ बता दूंगा तो हो गया ना। अब तू बता दे आज अभी क्या कर रहे हैं, मतलब नाम क्या रखा है पहले बता दे। मैं रखू? हाँ बोल। इसमें हम लोग टी डाल सकते हैं। टी? हाँ, चलो टी डालते हैं। ओके, तो इसको हम लोग विस्की, हाँ, पीच विस्की आइस टी बनाते हैं। वाओ, नाम तो बहुत टेम्प्टिंग है। तो बहुत उसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। हाँ? पीच विस्की आइस टी। वेरी गुड, नाइस। पीच विस्की आइस टी, ये है इंग्रेडिएंट लिस्ट, ये देख लीजिए। तो फिर शुरू करते हैं रीमा, टाइम ना वेस्ट करते हुए। चल मैं विस्की को साइड में रखता हूँ इधर तब तक। तो पहले क्या चाहिए, पहले किसमें बनाएगी, मतलब कुछ तो चाहिए। मुझे ग्लास चाहिए। तो ये ग्लास चलेगा, देख तो। ओ नाइस, ये फुल वैसा। हाँ, मतलब ये इंडियन टाइप ग्लास है ना। एग्जैक्टली, चाय लाई ग्लास है, आइस टी वाला ही ग्लास है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो चल, इसमें मैंने आइस टी मतलब बनाने के लिए ग्लास दे दिया। अभी क्या चाहिए, पहले आइस डालेगी या उसकी डालेगी या क्या, मतलब मैं क्या पहले आइस डालूंगी। ओह वाओ, तो फिर ये छोटा सा डब्बा है हम लोगों का, एक जुगाड़ में डालता हूं। हां, तू डाल ना, बस यहां पर आइस ले और डाल दे। वाओ, ये आइस कितना सही है। हां, राउंड आइस है ना। ऑर्डर? हां, डाल दे, भर भर के आइस देना चाहिए कोई भी कॉकटेल बनाने से पहले, है ना। आइस भर भर के देना चाहिए। तो फिर अभी क्या डालेगी, विस्की? सिनेमन विस्की, ठीक है। अच्छा, कितना डालेगी, 60 या 30? मैं 60 डालना चाहती हूँ। हाँ बापरे, मतलब ये ठीक है, 60 डालना चाहिए, मतलब पंच मिलना चाहिए ना। हाँ, ये 30 ml का दो डालना है ना। नहीं, ये 60 है, और ये नहीं, ये देखो बार्टेंडर है। पूरा डाल दे, पूरा डाल दे। 30 है। हाँ नहीं, 60 है बाबा, पूरा डाल, पूरा डाल, पूरा पूरा एकदम टॉप तक। एग्जैक्टली, आप इसको पोर कर दीजिए। बहुत अच्छा सिनेमन का खुशबू आ रहा है ना, सच कमाल का बन जाता है। आप करके देखिए ना, बहुत अच्छा लगता है।
है ना। चलो ये हो गया, ये ज्यादा मेहनत वाला भी नहीं था। नहीं नहीं मतलब आराम से बना पाएगा कोई भी। आप कंटेनर जुगाड़ कर लो, सिनेमन रख दो, हो गया। तीन दिन के बाद याद रखना, तीन दिन के बाद वो सिनेमन का टुकड़ा जो है वो सबको हटा देना है, अगर आपको आगे भी रखना है तो। क्योंकि वो ना अगर रखोगे बहुत ज़्यादा तो बहुत टैनिन ले लेगा, और उसके बाद बहुत ज़्यादा ना मतलब क्या होता है ना, जब टी पीने के बाद अगर तू स्ट्रॉन्ग टी पिएगी कैसा हो जाता ना, मुँह टैनिन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको हटा देना चाहिए, मतलब सिनेमन को वहाँ से निकाल दीजिएगा। ये कौन से? हाँ एग्जैक्ट। तो फिर अभी हम लोग क्या डालेंगे, मतलब बैलेंस करने के लिए लाइन दे दे। लाइन यस। अच्छा लाइन दे दे, यहाँ पर ज़्यादा नहीं, 15 ml लाइन देने से हो जाएगा। तू 15 ml माप के दे दे थोड़ा सा। हाँ एग्जैक्ट, वो लाइन तक। हाँ हाँ ठीक है एग्जैक्ट। चलो अभी डाल दो। वाओ, अभी थर्ड इंग्रेडिएंट्स क्या है, मतलब क्या डालेंगे? हाँ टी। टी या बट उससे पहले और एक चीज़ जानना है। खुशबू निकलता है। आप अगर खरीदना चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से खरीद सकते हो। तो ये पीच में कन्वर्ट कर देगा, है ना। बट हम लोग ज्यादा नहीं डालेंगे, याद है ना। तो कितना डालेगी बोल, कितना डालने से सही होगा, मतलब परफेक्ट बैलेंस होगा तेरे ख्याल से? 60 अगर हमने वो डाला है, 60 में 60 हमने विस्की डाला है। हाँ हाँ, तो मेरे हिसाब से 20 तो जाना चाहिए। 20 ज्यादा हो जाएगा। 15 क्योंकि 20 तू जैसी डालेगी, बहुत सारा सिरप है इसमें, मतलब शुगर है। अच्छा, तो ये तू तो देख 15 ml हम लोग लाइम जूस डाले हैं, तो 15 अगर कॉम्बिनेशन करेंगे तो बेस्ट। देखो कितना कुछ सिखाना पड़ता है मुझे, ठीक है। तो 15 ml हाँ खोल दे खोल दे। ये है मैथ्यू टेसायर का पिच सिरप, तो ले ले 15 ml। चलो यार मीठा हो जाएगा, मैं मीठा बनता हूँ। नहीं नहीं तुझसे पहले मैं पीऊंगा यार, कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ था कि बनाने के बाद मैं आज। ये नहीं, लास्ट टाइम भी तूने पहले पिया था, मैं पहले पिया। अच्छा अभी हम लोग सारा इंग्रेडिएंट दे चुके हैं, मतलब इसमें पीच जा चुका है, लाइम जा चुका है, और हम लोग वो विस्की भी डाल चुके हैं, सिनेमन विस्की। अभी लास्ट जो है वो एक ही चीज बचता है, टी। हाँ क्योंकि हम आइस टी बना रहे हैं एकदम, तो ये ले विस्की के साथ आइस टी। ये हाँ, ये टी बनाने के लिए क्या चाहिए, एक बार दर्शकों को बता दें कि ये टी जो है ये हम लोग अराउंड 200 ml के करीब करीब पानी लिया है, और इस पर सिर्फ एक टी डबा, मतलब गर्म पानी में एक टी बैग हम लोग डाले थे, और ये टी बन के दे दिया। उतना ओवरपावरिंग नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सो दैट ये प्रॉपरली बैलेंस करे, ये जो कॉकटेल है प्रॉपरली बैलेंस करे। तो इसलिए हम लोग एक टी बैग इसमें इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहते हैं ओवरपावरिंग, मतलब टी डोमिनेट करे इस पर्टिकुलर ड्रिंक को, तो आप दो टी बैग यूज़ कर सकते हैं। तो डाल दे इसको, टॉपअप कर रहे हैं कम्प्लीटली, तो आराम से डाल दे। हाँ दिक्कत नहीं है, टॉपअप कर दे। वाओ वाओ Fantastic. Oh wow. कितना शानदार बन गया है ना? Nice ना? ये ले, बहुत अच्छा। एक स्पून, बार स्पून है या त्रिशूल है? चलो इसको अच्छा करके मिला ले। इसका कलर अच्छा है, और खुशबू देख कितना शानदार है। By the way, अगर आप चाहते हो कि इसमें वो जो सिरप है मैथ्यू टेसायर का, अगर नहीं देना चाहते हो आप नहीं भी दे सकते हो, तो भी ये कॉकटेल फैंटास्टिक बन जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से देना चाहिए बैलेंस करने के लिए, है ना। लेमन का जो बैलेंस, डिफरेंट टेस्ट ट्राई करके देखना चाहिए। यू नेवर नो आपको कब क्या पसंद आ जाए, खरीद ले लीजिए, ठीक है। तो फिर अब बता तू इसमें क्या गार्निश देना चाहिए? ऑफ कोर्स लेमन यार, इसमें तो आइस टी इज ऑलवेज नोन फॉर लेमन इन द टॉप। Exactly. So, मैं भी तेरे लिए लेमन जुगाड़ करके ही रखा हूँ। okay. एक तेरा दादा कितना सोचता है तेरे बारे में, है ना। ये रहा लेमन, ये नहीं, ये तू दे सकती है या इसमें से कुछ भी, देख तुझको जो पसंद है तू दे दे। ये अच्छा, चलो चलो गोंदराज लेबू बोलते हैं, गोंदराज लेबू बंगाल में। हाँ तो इसको नाइस लग रहा है ना कॉकटेल। तो ये है कॉकटेल बन के रेडी है, ठीक है ना। क्या है इसका हम लोग नाम रखे थे,
विस्की आइस टी है ना, या एक स्ट्रॉ डाल दी इसमें, ये स्ट्रॉ हाँ। और एक छतरी होता तो हाँ छतरी तो और अच्छा होता, और इसका जुगाड़ मैं नहीं कर पाया, मैं गरीब हूँ मैं क्या करूँ। तो बस कॉकटेल बन के रेडी है, तो अभी टेस्ट करने की पारी तो मेरी है। चल भाई झमेला करने से कोई फायदा नहीं, तू भाई टेस्ट कर ले, तू भी टेस्ट कर ले, मैं भी तैयार हूँ। इतना अच्छा स्मेल कर रहा है कि मुझे टेस्ट कर, मैं भी तैयार हूँ अपना स्ट्रॉ लेके, औजार लेके, हाँ औजार लेके चल। अरे कैमरा देख के बता रहा है या ऑरिजिनल होने से बता रहा है? अच्छा इसमें इसका हाथ है ना इसलिए जल्दी, मैं देखता हूँ मुझसे कोई चीटिंग नहीं चलेगी। सूदेंगे ये। देखता है मैच। सूदिंग लिटरली। दिस इज द वर्ड। रियल वंडरफुल कॉकटेल। टेस्टी। इसका हर एक इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस्ड हुआ है। देख इसमें डोमिनेटिंग फ्लेवर कुछ भी नहीं है, हर एक चीज बहुत बैलेंस है। एक में राइट अमाउंट ऑफ मीठानेस, राइट अमाउंट, एकदम मीठा नहीं है बिल्कुल, बिल्कुल मीठा नहीं है जैसे मैं सोच रही थी। हाँ एग्जैक्टली, राइट अमाउंट ऑफ लेमन भी मिल रहा है एंड पीच का जो असली फ्लेवर है वो मिल रहा है, एकदम परफेक्ट। एंड व्हिस्की का जो सिनेमन व्हिस्की का जो ओरिजिनल फ्लेवर है वो भी बहुत अच्छा मिल रहा है, वो आ रहा है लिटरली, पता चल रहा है कि तो ये व्हिस्की ने कुछ घोटाला है। आराम से ये बनाइए घर में और हम लोगों को लिखिए। और हाँ अगर आप रीमा को फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम में मिल लेना, तो अपने हिसाब से बोल दे भाई, मैं बोल तो दिया बट फिर भी तू बोल दे। आई एम नॉट अ बिग इन्फ्लुएंसर बट इफ यू फॉलो मी यू विल गेट गुड कंटेंट्स लाइक हंसी मजाक एंड ऑल, सो डू फॉलो लाइक शेयर व्हाटएवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग Cocktails in India. Drink responsibly. Jai Ho! Yeah.